तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज का हमारा ये गेम प्ले होने वाला है एक टेबल्स मैच, यानी कि फीटल फोर वे टेबल मैच। जो पहले टेबल को तोड़ देगा वो इस मैच को यहाँ पे जीत जाएगा। और सामने है ब्रॉक लेसनर वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस सैमी ज़ेन वर्सेस रोमन रेन। और यहाँ पे देखते भाई कौन इस मैच को यहाँ पे विन करता है। और इस मैच में ना कोई भी रेफरी नहीं होने वाला है, और जो पहले टेबल को तोड़ देगा वो मैच को यहाँ पे विन कर जाएगा। और चारों के पास ही मैच की स्टार्टिंग से ही दो दो फिनिशर है। तो फिलहाल सैमी ज़ेन यहाँ पे रोमन को मार रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही एलिमिनेशन चैम्बर में रोमन रेन ने सैमी ज़ेन को हरा दिया था। बट सैमी ज़ेन ने भाई काफ़ी अच्छा मैच दिया था यहाँ पे। तो देखते भाई यहाँ पे सैमी ज़ेन रोमन को हरा पाते हैं नहीं। रोमन या क्या यार, यहाँ पे किसी को भी वो टेबल तोड़ देंगे तो वो इस मैच को यहाँ पे जीत सकते हैं। तो देखते हैं मैच का विनर यहाँ पे कौन बनता है। रोमन ने भाई यहाँ पे सुपरलेक्स पटकी यहाँ पे लगा दिया। अभी तक यार शायद से किसी ने ना अभी तक यहाँ पे फिनिशर नहीं लिया है। तो देखते हैं पहला फिनिशर यहाँ पे भाई कौन लगाता है। यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी को ब्रॉक ने कर दिया है स्टंट और पहला फिनिशर लगा दिया। भाई ब्रॉक ने यहाँ पे अपना पहला फिनिशर लगा दिया है। बट किसी को भाई टेबल लानी पड़ेगी यहाँ पे। फिनिशर देखिए फायदा नहीं है क्योंकि पिनफॉल यहाँ पे करके कोई फायदा नहीं है। पिनफॉल और सबमिशन वाला मैच ये नहीं है, तो किसी को चाहना चाहिए और यहाँ पर फटाफट से ना भाई टेबल लेके आना चाहिए। तो भाई इस मैच में दो दो फिनिशर इसलिए दिए हैं कि देखते भाई इस मैच को ये लोग कितनी जल्दी यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, मतलब कितनी जल्दी इस मैच को यहाँ पे कोई भी प्लेयर इनमें से यहाँ पे इस मैच को विन कर सकता है। तो ऑस्टिन थ्योरी ने यहाँ पे भाई टेबल को उठा लिया, बट ब्रॉक ने दोबारा से यहाँ पे टेबल को गिरवा दिया। टेबल लाना चाहिए यार, टेबल फटाफट से लाएंगे ना तो यहाँ पे फटाफट से रिजल्ट आने का चांस बनेगा। ओ भाई ये कौन सा एंगल दिया यार, यहाँ पे कैमरा लगा भाई, एंगल कौन सा था ये, मतलब ऐसा दिखाया जैसे किसी मिरर में इनका मैच चल रहा हो। टेबल दोबारा से उठा ली भाई, वहीं खड़ी कर दो, इन चारों में से कोई भी गिरेगा तो कोई ना कोई तो मैच जीत ही जाएगा। बाहर ही खड़ी कर दो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बट भाई वहाँ पे खड़ी करने का इनका मूड मुझे दिख नहीं रहा है फिलहाल। अभी ये एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं, टेबल से इनका कोई लेना देना नहीं है। बट भाई टेबल जल्दी से उठा लेना चाहिए यार, फिनिशर भी दो दो हैं तो मैच को फटाफट से ख़त्म करने के बारे में सोचना चाहिए। चलो रोमन ने यहाँ पे समझदारी दिखाई और उन्होंने यहाँ पे टेबल को उठा लिया है और अब वो रिंग में भी ले आए। भाई ये काम अच्छा करा है यहाँ पे, अब फटाफट से इसको खड़ा करो भाई। देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना रोमन आसानी से इस मैच को यहाँ पे विन कर जाएंगे क्योंकि उन मतलब अब बिल्कुल ही अग्रेसिव खेल रहे हैं। भाई यहाँ पे तो उनका अग्रेसिव निकाल दिया ऑस्टिन थ्योरी ने और भाई सुपरलेक्स दे के मारा यहाँ पे रोमन रेन को ऑस्टिन थ्योरी ने। और ऑस्टिन थ्योरी भी भाई काफ़ी सही खेल रहे हैं और अभी के टाइम में ना ऑस्टिन थ्योरी भाई काफ़ी पॉपुलर रेसलर है। जैसे जॉन सीना आया था ना वैसे ही अभी इनकी फैन फॉलोइंग चल रही है, काफ़ी अच्छे मैच लड़ते हैं। तो यहाँ पे भाई कोई टेबल तो खड़ा करो यार, टेबल खड़ा करो। चलो यहाँ पे भाई ऑस्टिन थ्योरी ने टेबल खड़ा कर दिया है और ब्रॉक ने F5 लगा दिया। भाई टेबल के ऊपर ही गिरेगा नहीं, भाई साइड में गिरा, अगर टेबल के ऊपर गिरता ना तो यहाँ पे ब्रॉक इस मैच को जीत जाते भाई। और ऑस्टिन थ्योरी भाई यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं रोमन को भाई टेबल तोड़ने के लिए और भाई तोड़ दिया भाई इस मैच को यहाँ पे विन कर लिया है ऑस्टिन थ्योरी ने। और यहाँ भाई टेबल तो गिर गया था यार, ये विनर कैसे दे दिया मुझे समझ नहीं आया। भाई ये चीटिंग करी है रोमन के साथ यहाँ पे टेबल। भाई आप दोबारा से देखना, यहाँ पे ना टेबल गिर गया था बट वो टूटा कैसे। बट जो भी है भाई यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी ने इस मैच को जीत लिया है और वो बन गए इस मैच के विनर, यानी कि उन तीनों सुपरस्टारों को ऑस्टिन थ्योरी ने यहाँ पे हरा दिया है। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना ही, ख्याल रखिए अपना, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।